मनुष्य की दुख व अशांति का सबसे बड़ा कारण उसका अज्ञान है। वह भूल जाता है कि वह यहां क्यों आया है और उसका ध्येय क्या है। ज्ञान न होने के कारण वह अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करता, अच्छे विचार नहीं रखता तथा सांसारिक भोगों के आकर्षण में अपने आप को लिप्त कर लेता है, और जब इनका परिणाम आता है तो वह दुखी हो जाता है। जैसे मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और फिर उसी जाले में फंस जाती है। वास्तव में मनुष्य को दुख देने वाला कोई नहीं है, वह खुद ही अपना मित्र व शत्रु है। वह तो साक्षात ईश्वर का अंश है, मनुष्य तो उसे परमात्मा का साक्षात रूप है। वह यहां आकर खुद ही अपने माया जाल में फंस गया है। जैसे बंदर घड़े में चने देखकर उसमें हाथ डाल लेता है और चने की मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी बांधने पर हाथ बाहर नहीं निकलता और मुट्ठी वह खोलता नहीं, तो यही हालत मनुष्य की है। वह खुद अपनी अज्ञानता से दुखी है और दोष देता है दूसरों को। जैसे एक महात्मा के पास एक शराबी गया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं इस शराब से बहुत दुखी हूं, कृपा करके मेरी शराब छुड़ा दीजिए। महात्मा ने धीरे से जाकर एक खंभे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर जोर से चिल्लाने लगे कि अरे कोई आओ, मुझे इस खंभे से छुड़ाओ। शराबी यह देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि महात्मा जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, खंभे को तो आपने स्वयं पकड़ा हुआ है और आवाज लगा रहे हैं कि कोई उसे छुड़ाइए, यह सब क्या है। इस पर महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे कि इसी तरह शराब को आपने पकड़ रखा है, नहीं तो शराब में क्या ताकत कि वह तुम्हें पकड़ ले। यह सुनकर वह शराबी बहुत शर्मिंदा हुआ, उसमें आत्मिक बल आया और उसने शराब पीनी छोड़ दी। तो हम सब की भी यही हालत है, करते तो हम खुद है और दोष दूसरों को देते हैं। मेरी नजर में तो यह मनुष्य जीवन अति सुंदर है और यह संसार एक सुंदर बगीचा है जिसमें फूल, कांटे, झाड़, पत्ते सब कुछ है। अगर मनुष्य को जीवन जीना आ जाए तो उसे कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि आज 89 साल की आयु तक मैंने यह जीवन बड़े सुंदर ढंग से जिया है। मेरे जीवन में समस्या नाम की कोई चीज आई ही नहीं। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो वह भी इस संसार में सुख, शांति व खुशी, उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास में रहते हुए अपने घर परिवार, बाल बच्चों के साथ रहते हुए हर समय खुश रहते हुए अपना जीवन जी सकता है। जिस सज्जन का घर परिवार का जीवन अच्छा सुखात्मक न हो तो उसका हर समय हर हालत में खुश रहने वाला जीवन नहीं बन सकता और न ही शाश्वत शांति उसे प्राप्त हो सकती है। पहले मनुष्य अपने इस संसार का जीवन सुंदर बनाए, यानी इस संसार के जीवन में उसे किसी वस्तु का अभाव न हो। इसकी सहज विधि शिव संकल्प में रहने की है, क्योंकि इस लोक का जीवन संकल्पमय है। दूसरा काम, मनुष्य अपनी रोजी रोटी खुद कमाकर खाएं और उसकी कमाई अपनी ईमानदारी की हो। यदि हेराफेरी, झूठकपट, छल फरेब की कमाई होगी तो आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन वाली बात होगी। यदि आपकी कमाई खुद की ईमानदारी की नहीं होगी तो आपका मन खुश नहीं रहेगा और जो मकान या घर आप बनाएंगे उसमें आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, घर में कलह कलेश रहेगा, आपस में मनमुटाव, नाराजगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे और मन बेचैन रहेगा। फिर चाहे आप रोज मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ या गुरुओं के पास, जो मेरा भाव आप समझ गए होंगे। मैं सहज योगी हूँ, मेरा अनुभव है कि मन, वचन और कर्म से मनुष्य पवित्र होगा तभी वह दुनिया में सुखी रह सकता है। अतः पहले इस संसार के जीवन को अच्छा बनाया जाए, तभी परलोक के जीवन की स्थायी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह योग साधन से इस मानव जीवन में ही अनुभव कर सकते हैं। जो इस लोक में सुख शांति का जीवन जीता है, उसी को परलोक की सुख शांति मिलती है। जो यहां सुखी नहीं है, वह उसे परम शांति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। सुख का संबंध धन, दौलत, मकान, दुकान, महल यानी संसारी धन माल से नहीं है। यह सब तो सहायक वस्तु है, परंतु देखने में और अनुभव में यह सब कुछ है, लेकिन यह सब धन दौलत होने पर भी मानव दुखी है। तो फिर सुख किस बात में है? मनुष्य के पास गाय, हाथी और घोड़े सब धन है और अन्य हीरे जवाहरात इत्यादि धन की खान है, परंतु फिर भी वह खुश नहीं है। लेकिन जब उसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो अन्य सब धन धूल के समान हो जाते हैं। यह ज्ञान वह विवेक तथा सही समझ आने पर ही होगा। या मनुष्य को जब स्वयं को अनुभव ज्ञान हो जाता है कि वह क्या है और उसमें बोलने वाला तत्व क्या है,
तब उसका कोई भी प्रश्न नहीं रहता। स्वयं को अनुभव करना ही सब कुछ जानना है। परमात्मा अंश रूप में हर मनुष्य के घट में है और मनुष्य जीवन की यह सब लीला वही कर रहा है, परंतु मनुष्य को इस बात का अज्ञान है और यही मानव का सबसे बड़ा दुख है। अगर किसी महापुरुष के ज्ञान से उसे जीवन जीने की कला आ जाए तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है और इस जीवन को सुंदर ढंग से जीते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्म को करते हुए वह परम शांति वाले पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैं 89 साल की अवस्था में ऐसा जीवन जीता आ रहा हूँ। मैं पूरी जिंदगी खुशी, उमंग व हौसले से जीते हुए एक त्योहार की तरह व्यतीत किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।